मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इस तरीके के ना, इस बार क्या लग रहा है? इस बार इस मामले में किसी तरह की नारे और किसी तरह की लहर नहीं है। सभी अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। जहाँ तक ये बाड़मेर की गणित को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, उसमें सिंगल नाम मेवाराम जी का चल रहा है और वो हो सकता है, लेकिन उसको काट करने के लिए बीजेपी के पास में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है। रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, ये क्या फैक्टर है, ये क्या रंग दिखाएंगे इस बार? ये इनका अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि अभी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करें, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। रविंदर सिंह भाटी को भी टाइम लगेगा। और हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनका जो कोर वोट बैंक था SC ST का था, तो उदाराम जी के RLP छोड़ने के बाद में वो फिसल गया है। तो सबसे पहले जो देखा जा रहा है कि भाई संगठन में जो है एकजुटता नहीं है, गुटबाजी थी। अगर ये गुटबाजी इस बार खत्म हो जाती है, गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत, आप देखिए ना, चौहटन शिव ले लीजिए या सिवाना ले लीजिए, वहाँ गुटबाजी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट जब फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद अगर जब वो गुटबाजियां रहती है तो वो अपना कैंडिडेट अंदर खाने जो है वो खुद के आदमी को चित करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर राजस्थान तक लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर पत्रकारों की राय रख रहा है कि आखिर क्या सोचते हैं पत्रकार, इस बार क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या कांग्रेस के खिलाफ लहर है, क्या बीजेपी के प्रति माहौल है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से भूमिका अदा करेगी। मैं इस वक्त बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हूं, जहां पर बहुत सारे पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे, क्योंकि बाड़मेर कांग्रेस का गढ़ है। 7 में से 6 विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस के पास में, और यहाँ पर 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा इंटरफेयर कर दिया था, और मानवेंद्र सिंह के जाने के बाद में बीजेपी एक बार फिर से 2013 की वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, आपने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए, क्या लग रहा है इस बार 2023 का चुनाव है वो मुद्दों पर जाएगा या फिर वही हमेशा हमारे यहाँ पर होता है, जातिवाद? जातिवाद तो यहाँ जो बाड़मेर की और बाड़मेर जिले की राजनीति की है वो पहला काम है, जहाँ जातिवाद पे लोगों को बांटने का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी जो जहाँ तक अपन चुनाव की बात करते हैं, इस बार दोनों के लिए इतना जीत आसान नहीं है। पर्टिकुलर बाड़मेर की करें तो उसमें भी स्थितियाँ चेंज हो रही है। जो गत चुनाव में मृदु रेखा चौधरी चुनाव भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गई थी, उन्हें भी न जाने कहीं कहीं कांग्रेस में दम घुटने लगा, तो वो पुनः बीजेपी में आ गई और आज बीजेपी की नेत्री प्रियंका चौधरी और बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनके साथ में नजर आती है। ऐसे में कहीं कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे अभी वर्तमान विधायक है, उनके लिए कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जहाँ तक जो स्थितियाँ बदल रही है उसमें। ऐसी स्थितियाँ बाड़मेर जिले में सिवाना में देखें तो भी वहाँ स्थितियाँ ये की है, चौटन में भी स्थितियाँ कांग्रेस और कांग्रेस की गंभीर है, चौटन में भी जो पहले की स्थितियाँ उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। सिवाना में अभी जैसे बीजेपी है तो बीजेपी के कैंडिडेट तो फाइनल आपके सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक साथ 10-10 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, बाहरी का मुद्दा बनाया जा रहा है। चौटन में भी ये स्थिति है, बाहरी का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अच्छा सर, चुनाव एक बार आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव से 6 महीने पर पहले, 1 साल भर पहले जो लहर है वो चलती है, इस बार क्या कुछ बीजेपी के लिए लहर है? हमेशा ये देखा गया है कि हाँ वसुंधरा तुझसे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इस तरीके के ना, इस बार क्या लग रहा है? इस बार इस मामले में किसी तरह की नारे और किसी तरह की लहर नहीं है। सभी अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। पर्टिकुलर अभी जो बाड़मेर की स्थितियां देखने को मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा गंभीर मामला भाजपा के सामने खड़ा है, जहां उम्मीदवारों की कतार ज्यादा है और डिसीजन अभी किसी के हाथ में नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो दावेदार इस बार हिम्मत करके ये कह सकते हैं, जब आवेदन मांगे गए थे तो गत बार कोई दावेदार नहीं आते, लेकिन इस बार 3 युवा चेहरे भी दावेदारी पेश की है। लेकिन फिर भी जहाँ तक ये बाड़मेर की गणित को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, उसमें सिंगल नाम मेवाराम जी का चल रहा है और वो हो सकता है, लेकिन उसको काट करने के लिए बीजेपी के पास में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है। इधर उधर जब भी चर्चा चलती है घूम फिर के एक ही नाम आता है, प्रियंका, और प्रियंका के अलावा किसी पे चेहरा दे तो केंद्रीय मंत्री का दाव खेला जा सकता है। RLP 2018 के अंदर नई नई पार्टी बनी थी और उसमें ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान किया जी। RLP का जहाँ तक अपन बात करते हैं तो RLP बायतु विधानसभा के समीकरण बिगाड़ सकती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन बाड़मेर में समीकरण बिगाड़े या सिवाना में बिगाड़े, ऐसी स्थितियां जहां तक हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आंकलन है ऐसा भी कहीं नहीं जाता है। लेकिन RLP वोटो परसेंटेज पहले से बढ़कर ले जा सकती है, लेकिन जीत और हार का मुकाबला RLP का अभी बायतू के अलावा कहीं नजर नहीं आता। मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने के बाद में 2018 में यहां बड़ा एक चेंज था स्वाभिमान, और इस बार क्या लग रहा है?
मानवेंद्र सिंह जी की जहाँ तक बात करें तो उसके उनके साथ में जो फूल हमारी भूल के नारे के साथ में जो बीजेपी के लोग गए थे उसमें से अधिकांश ने वापस घर वापसी कर ली है। कुछ ऐसे भाजपा के जो मानवेंद्र सिंह के साथ में गए थे जिसमें मुख्यतः बलराम प्रजापत है, राम सिंह बोथिया है, ऐसे लोग जो है वो अभी भी कांग्रेस के साथ में दिखाई देते हैं। बाकी अधिकांश कईयों ने तो घर पकड़ लिया है या कई वापस पुनः बीजेपी में आ गए, तो उनका कोई इतना विशेष महत्व नजर नहीं आ रहा। अच्छा तरुण जी, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से चुनाव है, क्या पिछले चुनाव और इस चुनाव में आप फर्क देख रहे हैं? इस बार जो माहौल लग रहा है, लोगों की हम चर्चाएं सुनते हैं, मार्केट में भी जाते हैं, सर्वे भी करते हैं, ये सामने आ रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हरा रहे हैं। एक ही विधानसभा में आपको 10-10 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। ऐसे में मतलब गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत है। आप देखो क्या हाँ, शिव के अंदर क्या कुछ हाल है, चौहटन के अंदर क्या कुछ हाल है, सिवाना के अंदर क्या कुछ हाल है। भारतीय जनता पार्टी अनियंत्रित पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी की जो बात करें उसमें एक ऐसा परंपरा रही है जिसमें एट टाइम पे सब एक हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एकजुट नहीं हो पाते हैं। ये काफी सालों का आप इतिहास देखेंगे तो ये नजर आएगा। इस बार क्या लग रहा है, मुद्दों के आधार पर होगा या वही जाति वाला? बाड़मेर जैसलमेर की अगर मारवाड़ की बात करें तो सबसे पहले जाति पहले देखी जाती है, जिसकी जाति का ज्यादा वोट है वही टिकट लाएगा और वो खड़ा होने का प्रयास करेगा। लेकिन मुद्दों के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में कहीं पर भी मुद्दों के आधार पर राजनीति नहीं। रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, ये क्या फैक्टर है, ये क्या रंग दिखाएंगे इस बार? ये इनका अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि अभी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करें, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। रविंद्र सिंह भाटी को भी टाइम लगेगा। और हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनका जो कोर वोट बैंक था SC ST का था, तो उदाराम जी के RLP छोड़ने के बाद में वो फिसल गया है और युवा जितने भी थे उनका मोह भंग हो गया है। कोई बीजेपी में चला गया है, कोई कांग्रेस में चला गया है। आरएलपी पार्टी के प्रति युवाओं का मोह भंग दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और ऐसे में मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की विश्वसनीयता है वो बाड़मेर जैसलमेर में खत्म हो चुकी है। क्या लग रहा है, अगर खत्म होती तो आप देखिए ना, बायतू के अंदर आज भी उनका बड़ा वर्चस्व है, लड़ाई वहीं पर है। एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर उम्मीदवार रामजी बेनीवाल साहब है, वो पिछली बार उन्होंने काफी टाइट फाइट दी थी वहां पर, लेकिन उसके अलावा जो पिछली बार अलग अलग विधानसभाओं में जो नेता थे जो नहीं है इस बार नहीं है अच्छे नेता, उदाराम मेघवाल या सुरताराम मेघवाल और इस तरीके के बड़े नेता है वो है नहीं। ठीक है, युवाओं के भरोसे पे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे पे भीड़ करके हंगामा करना, ये राजनीति का स्तर रह गया। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या यहाँ की जो समस्या है लंबे समय से, पानी एक बड़ी समस्या है, क्या लगता है पानी के नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की योजना बनी, ग्राउंड पर क्या स्थिति, क्योंकि आप तो उस इलाके से आते हो जहाँ पर आज भी मतलब मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल, पानी की बहुत विकट समस्या है। नर्मदा नहर परियोजना है वो रामसर में अटकी हुई पड़ी है, बॉर्डर के गाँव तक पानी नहीं पहुँचा है। बॉर्डर के अलावा अगर जिले के विभिन्न गाँवों में जाए, पंचायतों समितियों में जाएंगे या तहसील स्तरों पर जाएंगे, विशेष रूप से सिवानों में काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो पानी बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को जनता, बाड़मेर की जनता समझ नहीं पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ जाति और अपने नेताओं को मजबूत करने के चक्कर में अपने ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाती है। बड़े बड़े चेहरे हैं इस बार, जैसे अमीन खान को ले लीजिए, हरीश चौधरी को ले लीजिए, हेमाराम चौधरी को ले लीजिए, लगातार 3 बार से मेवाराम जैन जीते थे, क्या लग रहा है इनका भविष्य किस तरीके? मैं युवा हूँ, मैं यही चाहता हूँ युवाओं को मौका मिले। विशेष रूप से मैं शिव विधानसभा से यही कहूंगा, अमीन साहब की अब उम्र भी हो गई है, अब उन्हें रेस्ट लेनी चाहिए। किसी युवा को अमीन साहब और इनकी लड़ाई कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, किसी प्रकार की कोई भारी पड़ती हुई नहीं दिख रही है। जो जिस प्रकार से जो रुझान है, अंत वक्त में दोनों एक होने ही है, चाहे फतेह मोहम्मद है, चाहे समा बानो है, चाहे कोई भी हो, तो अंत वक्त में एक होने ही है। अच्छा, कुछ और पत्रकारों से भी बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का माहौल है चुनावी? अभी जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक तो रोज नए नाम आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बीजेपी में दावेदारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अब उस स्थिति में बीजेपी चूंकि यहाँ से लगातार हारती आ रही है, तो सबसे पहले जो देखा जा रहा है कि भाई संगठन में जो है एकजुटता नहीं है, गुटबाजी थी। अगर ये गुटबाजी इस बार खत्म हो जाती है, गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत, आप देखिए ना, चौहटन शिव ले लीजिए या सिवाना ले लीजिए, वहाँ गुटबाजियाँ, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट जब फाइनल हो जाएंगे उसके बाद अगर जब वो गुटबाजियाँ रहती है तो वो अपना कैंडिडेट अंदर खाने जो है वो खुद के आदमी को ही चित करेंगे, जैसा 15 साल से बाड़मेर में बीजेपी का हाल है। हाँ बिल्कुल, बाड़मेर में अभी भी आप देखिए विपक्ष की यदि बात करें तो कई गुटों में नजर आते हैं। एक बाड़मेर में एक तो एक नया एक परिपाटी सी बन गई है, सभी अपने आप को विधायक दावेदार मानते हुए विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर लिख रहे हैं। क्या केवल विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर लिखने मात्र से आप नेता बन जाएंगे क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप कभी पब्लिक के बीच में गए नहीं, कभी पब्लिक से बात की नहीं। क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, ये तमाम जो लोग हैं, इनका क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की, रविंद्र सिंह भाटी के आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ पार्टी
के साथ अगर जो कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी मजबूती में और उसके व्यक्तिगत चलने की मजबूती में बहुत फर्क होता है, ये धरातली स्थिति होती है। बाकी दावे करने को तो कौन मना कर सकता है, आराम से अपने दावे कीजिए, आप तो भले अपने आप को जीत साबित भी कर लीजिए, क्या फर्क आप देखिए। दरअसल बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती है, वर्तमान के अंदर बात की जाए तो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में। यहाँ से हेमाराम चौधरी जो कि वर्तमान में गहलोत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है, अमीन खान है जो कि जिनकी टिकट को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, इस उम्र में भी वो लगातार दावा ठोक रहे हैं कि मुझे ही टिकट मिलना चाहिए या मेरे बेटे को मिलना चाहिए। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जिलाध्यक्ष जो कि लगातार सिर्फ से दावेदारी कर रहे हैं। हरीश चौधरी एक बड़ा चेहरा है, हरीश चौधरी बायतू से आते हैं, जब 2018 के अंदर जब सरकार बनी थी उस वक्त कैबिनेट रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे, उसके बाद में पंजाब का प्रभारी बना दिया गया और आज के समय के अंदर राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर हरीश चौधरी की एक बड़ी भूमिका है टिकट वितरण से लेकर, क्योंकि उन्हें मैंने जो स्ट्रेटेजी कमेटी है उनका है वो चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद में आप देखिए बाकी भी जगहों पर मेवाराम जैन है, बाड़मेर के अंदर लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी एक अपना बड़ा प्लान बनाई। कुल मिलाकर आप इस बार जो लड़ाई है वो कांटे की है, क्योंकि सबकी निगाह इस बात पर भी है कि हनुमान बेनीवाल है उनकी पार्टी है इस बार कितना दमखम दिखाती है। जिस तरीके से बायतू के अंदर हरीश चौधरी को चुनौती मिली थी, इस बार फिर से चुनौती की तैयारी। बाकी सीटों पर आरएलपी क्या दिखाती है, रविंदर सिंह भाटी क्या निर्दलीय लड़ते हैं या चुनाव या बीजेपी के साथ में जाते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर देखने वाली बात होगी। दिनेश वाला, बाड़मेर, राजस्थान तक।